Hey guys, welcome back to my channel. So, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए बना एक 2 सेल बैटरी चार्जिंग स्टेशन। इस बैटरी चार्जिंग स्टेशन को यूज़ करके आप इजीली 18650 बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको चार्ज करने के लिए आपको एक 5V 1 एम्पीयर अडैप्टर को जरूरत होगा। सो इसको यूज़ करके आप इजीली इस बैटरी चार्जिंग स्टेशन को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो PCB को मैंने ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है और इसका मैं 3D व्यू भी आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए PCB हमारा असेंबल हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फटाफट से इसका जो गर्वर फाइल है उसे जनरेट कर लेते हैं। गर्वर फाइल जनरेट हो जाने के बाद अब बारी है PCB को ऑर्डर करने की। एंड PCB को मैं ऑर्डर करने वाला हूँ नेक्स्ट PCB से, क्योंकि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय नेक्स्ट PCB द रिलायबल मल्टीलेयर PCB मैनुफैक्चर। यहाँ पर आप फ्री में PCB को असेंबल करवा सकते हैं। टोटल आप 5 पीस PCB को यहाँ पर फ्री में असेंबल करवा सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट PCB जो है 1 से लेकर 20 लेयर तक PCB को सपोर्ट करते हैं। तो आप इजीली 20 लेयर तक के PCB को फ्री में असेंबल करवा सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं सिंपली इंस्टीट्यूट पे क्लिक करके। साथ ही साथ इनका एक ऑनलाइन गर्वर व्यूअर भी है, जिसको यूज करके आप अपने गर्वर फाइल को व्यू कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो गर्वर फाइल है वो उसको अपलोड कर देना है। ये कुछ टाइम लेता है एनालाइज करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो गर्वर फाइल है यहाँ पर आ चुका है। इसके लेफ्ट साइड में आपको सारे लेयर मिल जाएगा, जो जो भी लेयर आपको देखना हो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके राइट साइड में गर्वर में क्या क्या एरर है, क्या क्या नहीं है, वो आप इसको इजीली देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्राइस है सिर्फ $1.99 दिखा रहा है। सो इसका जो प्राइस है यहाँ पर आपको दिख सकता है। साथ ही साथ इसका एक कमाल का फीचर है डाउनलोड रिपोर्ट का। तो इस डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक करके आप इसका जो गर्वर फाइल का जो रिपोर्ट है वो उसको आप व्यू कर सकते हैं। सो देखिए ये रहा हमारा PCB का रिपोर्ट, जिसमें कि इसमें क्लियरली दिखा रहा है कि ये किस किस क्राइटेरिया में पास हो रहा है और किस किस टेस्ट में ये फेल हो रहा है। सो PCB में जो जो दिक्कत है वो सब यहाँ पे दिखा देता है। सो मैं फटाफट से जितने भी एरर है उन सबको मैं रेक्टिफाई करके PCB को मैं रीडिजाइन कर लेता हूँ और उसका जो गर्वर फाइल है उसे जनरेट कर लेता हूँ। सो उसके बाद सिंपली आप इसको यहीं पर ही क्लिक करके PCB को ऑर्डर कर सकते हैं और तो ये रिडायरेक्ट हो जाता है नेक्स्ट PCB की वेबसाइट में। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे PCB का जो कलर है उसे भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ। बाकी का सेटिंग जिसको एज इट इज रहने उनको कुछ नहीं करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PCB का प्राइस जो है वहाँ पर मेंशन है। सो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को हिसाब से PCB का प्राइस चूज कर सकते हैं। फिर आप अपने कंट्री के हिसाब से जो भी शिपिंग कुरियर सर्विस है उसे सिलेक्ट करके एड टू कार्ट कर सकते हैं। सो ऑर्डर करने के बाद 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही आपको आपका जो PCB डिलीवर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं PCB का जो क्वालिटी हो ज़बरदस्त है और मुझे ये मेरा PCB सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही डिलीवर हो गया था। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं PCB का जो क्वालिटी और थिकनेस बहुत ही अच्छा है। तो फटाफट से चलिए इसको हम असेंबल कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा ये PCB, जिसको आप नेक्स्ट PCB से ऑर्डर कर सकते हैं। फिर 2 लिथियम आयन बैटरी होल्डर जो कि हमारा PCB माउंटेड वाले हैं और एक TP4056 बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो 2 बैटरी होल्डर है, ये जो हमारा बैटरी होल्डर ये PCB माउंट वाले हैं। सो इजीली ये यहाँ पे जो 2 होल है वहाँ पे लग जाएगा। पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल में ही आपको इंसर्ट करना है और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल में। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब भी आप बैटरी होल्डर को PCB में माउंट करते हैं। तो वंस ये आपका कंफर्म हो गया तो फिर इजीली आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं PCB में। सो हमारा जो PCB असेंबल हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं फटाफट से इन सबको शोल्डर कर देता हूं, क्योंकि अभी इसको मैंने सिर्फ आपको इंसर्ट करके दिखाया था कि ये कैसे दिखेगा। तो मैं फटाफट से इन सबको इंसर्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इंसर्ट कर दूंगा हमारा चार्जिंग मॉड्यूल को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चार्जिंग मॉड्यूल को ऑलरेडी इसमें पिन हेडर दे रखा है, जिससे कि इजीली हम इसको PCB में माउंट करके इसको शोल्डर कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से सारे शोल्डर को कंप्लीट कर देता हूँ।
सो फाइनली सारे कंपोनेंट्स सोल्डर हो चुके, अब बनी इसको टेस्ट करने की। सो टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा 2 लीटर मान बैटरीज, तो मैं फटाफट से इन बैटरीज को हमारे चार्जिंग स्टेशन में इंसर्ट कर देता हूँ। बैटरीज को चार्जिंग स्टेशन में लगाने के बाद अब बारी है हमारे चार्जिंग मॉड्यूल को पावर देने की। तो इसको मैं पावर देने के लिए मैं अपना एक 5 वोल्ट 1 एम्पियर एडाप्टर को यूज करूंगा। सो देखिए पावर ऑन करते ही हमारा जो चार्जिंग मॉड्यूल वो रेड, उसका जो रेड कलर एलईडी वो ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो बैटरी वो चार्ज होने लगा है। मैं आपको बैटरी का जो वोल्टेज है वो चेक करके आपको दिखा देता हूँ। सो आप देख पा रहे हैं इसका जो पहले वाले बैटरी का वोल्टेज है 4.11 एंड सेकेंड वाले का वोल्टेज है 4.10। सो इसका मतलब है कि हमारा जो बैटरी से ऑलमोस्ट फुल्ली चार्ज है। सो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बैटरी को चार्ज होने के लिए। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो देखिए अभी हमारा जो एलईडी वो ब्लू हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारा जो बैटरी वो दोनों फुल्ली चार्ज हो चुके हैं। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारा जो चार्जिंग स्टेशन है बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ ये चार्जिंग स्टेशन को यूज़ करके आप कहीं पे भी किसी भी बैटरी को इसको चार्ज कर सकते हैं, और लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होने की वजह से आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। सो कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ ये पीसीबी को आप ऑर्डर कर सकते हैं नेक्स्ट पीसीबी की वेबसाइट से। सो गर्वफल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।